वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? वेल, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और फाइनली अब कल दिवाली है, और आज दिवाली से एक दिन पहले यानी सैटरडे। सो आप सबको हैप्पी दिवाली। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और अच्छे से दिवाली मनाना। और हो सके तो पटाखे थोड़े ही चलाना, ज़्यादा मत चलाना, बिकॉज कुत्ते जानवर भी डरते हैं, और पोल्यूशन भी बहुत होता है, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो प्लीज़ थोड़े से कम चलाना, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा ही कम चला देना, है ना? तो आज मैं आपको करवाऊंगी अपना हाउस टूर। यस, एक्चुअली मैंने बोला था मैं दिवाली वाले दिन करवाऊंगी, लेकिन ना बहुत बिजी हो जाऊंगी कल। मैं बहुत ज्यादा बिजी, और पता है मुझे पता है कि मुझे कल क्या क्या काम करना है। तो मैं एक दिन पहले मैं अपना पूरा ऐसे प्लान करके चलती हूँ कि हाँ, अगर कल कोई तीज त्योहार है या कोई फंक्शन है तो मैं अपना स्केड्यूल ऐसे बनाती हूँ कि कहीं ना कहीं से मैं अपना टाइम निकाल पाऊँ और थोड़ा टाइम निकाल पाऊँ अपने लिए। सो आज मैंने ऐसे बहुत जुगाड़ किए हैं। सबसे पहले मैंने बेडशीट जो कल चेंज करनी थी वो मैंने आज ही सारी चेंज कर दी हैं, और मैंने एक रंगोली का भी बहुत सॉलिड तरीका निकाला है। मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी मैं कि मैंने क्या जुगाड़ निकाला है। बिकॉज फ्रेंकली से तो मुझे रंगोली बनानी नहीं आती, मतलब उतनी स्पीड में प्रोफेशनली नहीं बनाने आती। बट हाँ, मतलब मैं बनाती हूँ अगर रंगोली, तो मुझे 2 घंटा 3 घंटा तो कहीं नहीं गया बनाने में, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, और दिवाली की दिवाली बनानी होती है। तो इसका मैंने एक हल निकाला है, दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको अपना हाउस टूर कराती हूँ, मैंने अपने घर को दिवाली में कैसे सजाया है और मेरा घर कैसा है। तो चलो फिर मेरे साथ। सो ये है मेरे घर की एंट्रेंस, और ये है विंडो, ड्राइंग रूम की विंडो। यहाँ पर हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, और यहाँ से एंटर करेंगे तो हमारी टेबल चेयर, और ये एक्सरसाइज के लिए साइकिल, और ये शू रैक, और ये सजाया है मैंने अपने, ये किचन की विंडो है, और ये है एंट्रेंस की, एंट्रेंस का गेट। अब यहाँ से हम अंदर आएंगे, तो ये है मेरा ड्राइंग रूम। सबसे पहले गणेश जी की फोटो, सोफा, और ये हमारा टीवी यूनिट, ये नीचे फ्लावर्स, और ये दीदी जीजू की फोटो, और यहाँ पर 2 चेयर्स। और अब जैसे हम यहाँ से अपने ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे जाएंगे, पर्दा हटाएंगे, तो ये है हमारा लॉबी एरिया। ठीक है, ये रेनोवेशन होने वाली, सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को इग्नोर करना। गर्मियों तक आपको ऐसा दिखेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, टाइल्स लग जाएंगी। और लॉबी में हमने ये एक पेंटिंग लगाई है, ये बहुत पुरानी है, कितने मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से तो मैं इसको देख ही रही हूँ, मतलब आप कह लो 20 सालों से मैं इसको देख रही हूँ। और मेरी पर मैं 20 से ज़्यादा की ही हूँ, 20 साल से ज़्यादा बड़ी हूँ मैं। और ये है हमारा मंदिर, ये हमने तेल और घी लाकर रखा हुआ है कल के लिए, कल दिवाली की पूजा के लिए। और ये हमारा ऊपर एक फैन लगा हुआ है जिसकी हवा सीधी इस दीवान पर आती है, और सॉरी इस दीवान पे एक ग्लास पड़ा हुआ है, हटा दूंगी, मम्मी ने पी के रखा है। और ये दीवान है, कोई भी गेस्ट आता तो इस पे सो सकता है ये। और 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं,
और ये मैंने की है डेकोरेशन अपनी लॉबी की, फ्लावर्स लगाए हैं, लाइट्स लगाई हैं, और इस बार ये जो मैंने लटकन लगाई है ना, ये मैं नई लेकर आई हूं। और ये वॉश बेसिन, और ये फ्रिज है, और एक ये एग्जिट का दरवाजा है, एंट्री और एग्जिट दोनों। मैं लाइट बंद करके आपको दिखाती हूँ अपने ड्राइंग लॉबी की लुक। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि मैंने इसको कैसा सजाया है। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है। और अब हम जब इस लॉबी के सामने वाले दरवाजे से एंटर होंगे अंदर, तो ये है मम्मी पापा का रूम। या ये है मम्मी पापा का बेडरूम, और मम्मी पापा के रूम के साथ है हमारा रूम। ये है हमारा वॉशरूम, और ये है हमारा रूम, हमारा मीन्स मेरा और लकी का। ये सारी वॉर्डरोब है, वो शीशा, और ये हमारा बेड जिसके ऊपर कैमरा स्टैंड पड़ा हुआ है, ये लकी की छोटी सी अलमीरा, और ये है एक पेंटिंग जो कि पता नहीं अभी आपको दिख नहीं रही है, अब दिखेगी। और ये है हमारा रूम, मेरा और लकी का, और ये हूं मैं। और ये दो चेयर्स। अब मैं चलती हूँ आपको अपना किचन दिखाने, और ये है हमारा किचन जिसमें मम्मी बना रही हैं खाना। तो मैंने कोशिश की आपको अपना हाउस टूर देने की, पता नहीं मैं इसमें कितनी सक्सेसफुल हुई हूँ और कितनी नहीं हुई हूँ, आप कमेंट करके बताना प्लीज। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आई नो गलतियां तो बहुत हुई होंगी, बट प्लीज माफ कर देना और सजेशंस देना इसको इम्प्रूव करने के लिए। मैं अभी अपनी रूम में हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ यार, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी 6 बजे हैं, शाम के 6:10 हो गए हैं, लेकिन सुबह से कुछ ना कुछ काम, कहीं इधर जाना, मार्केट जाना, कभी किसी के घर जाना, थोड़ी थकावट हो गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, पता है, इसीलिए कल के दिन, मतलब कल दिवाली है तो कल बहुत बिजी जाने वाला है, तो बहुत बिजी जाने वाला है कल का, तो इसलिए आज मैंने अपनी रंगोली की तैयारी कर ली कि जो 2-2.5 घंटे मैं रंगोली बनाती हूँ वो मेरा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने रंगोली के लिए क्या किया है। ये देख रहे हो आप पेपर कितना अच्छा चमक रहा है ना रेड, ये तो ऐसे है। अभी मुझे इसको थोड़ा डेकोरेट करना है, इस पूरे एरिया को, ठीक है। और ये कैंडल्स मैं आपको दिखाती हूँ इससे मैं क्या करूंगी। एक्चुअली ये जो पेपर है ना, ये पेपर आता है, ये पीछे स्टिकर है, ज्यादा स्टिकी नहीं होता लेकिन ये कहीं पे स्टिक हो जाता है, ज्यादा ग्लूई नहीं होता ये, तो मैंने इसको इस शेप में काट के रखा है, 4 है, मतलब जैसे ये शीट आती है इतनी बड़ी। एक मैंने रफली एक ड्राफ्ट बना लिया था हार्ट का, और उसी से 4 पीसेस काट लिए। और मैं इसे रंगोली पता है कैसे बनाऊंगी, अभी मैं आपको बेड के ऊपर दिखाती हूँ, कल आपको फर्श पे दिखाऊंगी। जैसे मैं ये पेपर नीचे रख लूंगी, ठीक है, और ये कुछ कैंडल्स निकाल ली मैंने, मैं ये पेपर मैंने खुद काट लिया, ये देखो, ये इसको ऐसे रख दूंगी, फिर मैं ये हार्ट को ऐसे रखूंगी, फिर इसको ऐसे रखूंगी, देख रहे हो आप। पापा आ गए और मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ।
आई माँ। मैं भी आपको फटाफट से रफली दिखा देती हूँ। ये मैं इसको ऐसे कल फर्श पे रख दूंगी, ठीक है। और अभी इस एरिया को ना डेकोरेट करना है ये स्टड से, और फिर मैं इसको फर्श पे रख दूंगी, फिर अच्छा लगेगा ये।